नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं मुकेश बाकर और हम पढ़ रहे थे समाकलन गणित। समाकलन गणित में हमारा टॉपिक था द्विसमाकल, यानी कि डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में हमने ये देखा कि दो बार समाकलन कैसे करते हैं, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे और आज हम उनके जस्ट आगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनको लेके हल करेंगे। तो देखो आइए, अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ 0 to a and 0 to √a² - x² xy dx dy का मान ज्ञात कीजिए। तो कल जो हमने समाकलन किए थे वो भी इसी टाइप के थे, बस यहाँ पे चेंजिंग इतना हुआ है कि इस समाकलन के यहाँ पे रूट आ गया। तो रूट जो लिमिट हमें दी गई है उसी लिमिट को हमें इस समाकलन में पुट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें dy लेना होगा, यानी कि जो ये जो समाकलन है वो सबसे पहले इधर से, तो ये फर्स्ट वाला और उधर से dy के सापेक्ष होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, और ये हो जाएगा आपके 0 to √a² - x² xy and dy। इसको ले लो ब्रैकेट में और इसको बाहर कर दो, एक्स के सापेक्ष पूरे का समाकलन। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले एक्स वाई हमारे पास में दिया हुआ है और इनका वाई के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 0 to a, और ये हो गया समाकलन ऑफ 0 to √a² - x² और एक्स वाई इनका समाकलन करना है वाई के सापेक्ष। तो अब एक्स है वो तो रह जाएगा बाहर और समाकलन किसका होगा, वाई का। वाई का समाकलन क्या होता है, वाई है उसके ऊपर घात है 1 और वाई की पावर 1, यानी कि एक्स की पावर एन वाला सूत्र। तो एक्स की पावर एन वाला सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर n+1/n+1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x लिख दिया डॉट y की पावर 1+1, कितना हो जाएगा 2/2, और ये हो गया। अब समाकलन जब हो गया यहां पे तो इस चिन्ह को यहां से हटा देना है और जो ये लिमिट है ना इसको इस कोष्टक के बाहर लिखनी है। जैसे कि ये हो गया तो इसमें मैं लिमिट रखूंगा यहां पे 0 to √a² - x² और पूरे का समाकलन है x के सापेक्ष। ठीक है, अब आगे देखो, जब हमने ये समाकलन कर दिया तो समाकलन करने के बाद में ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखा जाता है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको रखते हैं कि 0 to a, और रखेंगे कहां पे, x जगह या y की जगह, y की जगह रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो ये समाकलन किया था तो इसमें y के सापेक्ष था समाकलन, तो लिमिट भी हमें y की जगह ही रखनी है। x है उसको बाहर रहने दो। तो मैं इसको लिखूंगा x डॉट अपर लिमिट ये वाली है कि √a² - x² का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है y का स्क्वायर, तो लिमिट है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसको a² - x² रूट का होल स्क्वायर अपॉन 2 - अपर लिमिट - लोअर लिमिट होता है। अब लोअर लिमिट यहां पे क्या है, एक्स डॉट 0 है तो 0 का स्क्वायर करो, चाहे 0 लिख दो, बात है कि अपॉन 2 ब्रैकेट बंद, और ये हो गया डीएक्स के सापेक्ष। क्लियर है भाई इतना। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो तो होल ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये तो है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन मैंने बताया था जिसमें लिमिट दी हुई होती है, चाहे कोई सी दे दो, 1 से 2 दे दो, 5 से 10 दे दिया, या फिर कोई सी भी लिमिट दे दो, यदि लिमिट दी हुई है तो हम उसको कहेंगे निश्चित समाकलन। किसी पृष्ठ के सापेक्ष है तो वो यहां पे एस लिखा हुआ आएगा, या फिर किसी पृष्ठ जैसे कि डीएस के सापेक्ष इसका समाकलन करो, या हमारे पास में आएगा
जैसे कि ये स्मगलिंग का चिन्ह है, बीच में गोला आ गया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यदि इस तरह का स्मगलिंग आए और बीच में गोला आ जाए तो हम उसको बोलते हैं होल ऑफ इंट्रीगेशन, यानी कि जो बंद पृष्ठ है उसके सापेक्ष स्मगलिंग होता है। और यहाँ पे है बंद पृष्ठ वाला सिस्टम है नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें निश्चित स्मगलिंग का यूज करना है। अब इसमें प्रश्नावली में एक आपके है गामा आएगा आगे क्वेश्चनों में कि गामा क्या होता है, तो गामा से रिलेटेड में अगले क्वेश्चन में बता दूंगा आपको कि गामा है उसका मीनिंग, यानी कि जो अर्थ है और अर्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्वेश्चनों में, जैसे कि मैंने लिख दिया गामा तीन का मान क्या होगा, तो वो मान आपको पता होना चाहिए। उनसे रिलेटेड में अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक्स डॉट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब है इस रूट का स्क्वायर, जानते हैं हम क्या होता है, वन हो जाएगा। अरे रूट का वन हो जाएगा ना, रूट यानी कि जो रूट है उसका मान होता है वन अपॉन टू, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल और ये रूट हट जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा एक्स डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टू बस, और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे, ये जो x साथ में चल रहा है गुणा में चल रहा है, इसको अंदर गुणा करा दें। अंदर गुणा कराएंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक बटा दो को बाहर ले लिया मैंने, और ये हो जाएगा आपके जीरो टू ए एक्स डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स की घात तीन, और ये हो गया dx। अब इसमें करेंगे एक बटा दो बार है ही, और इसमें आप ऐसा करो कि x के सापेक्ष करना, तो ए स्क्वायर को बाहर कर दें और इसका समाकलन कर देते हैं। तो ए स्क्वायर को है जैसे के जैसे रहने दो, x का क्या हो जाएगा भाई, x की घात है वन, x की घात वन है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स की घात तीन का समाकलन क्या होगा, एक्स की घात तीन का समाकलन होता है एक्स की पावर फोर, क्यों एक जुड़ जाएगा, तो इसमें हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट क्या दी हुई है 0 टू a। क्लियर है भाई, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही है, अरे वही तरीका है, सेम ही है। तो इसको मैं लिखूंगा एक बटा दो, और ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर x का स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है a है, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा a रख दूंगा, ए रखते ही उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस यहां पे हो जाएगा ए की पावर फोर अपॉन फोर माइनस जीरो। अरे जीरो है इसमें तो चाहिए आप कोई सा भी मान रख के वैसे लिखो, चाहे लंबा चौड़ा कितना ही लिख दो, कोई मतलब नहीं है, सीधा इसका मान जीरो ही होने वाला है वैसे भी। तो ये हो गया आपके एक बटा दो, और इसको लिख दिया ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर ए की पावर फोर अपॉन टू माइनस ए की पावर फोर अपॉन फोर बस। अब यहां पे जीरो मत कर दियो, ऐसे नहीं कि भाई एक की पावर फोर है माइनस एक की पावर फोर, जीरो हो गया और कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें एक बटा दो को बाहर रहने दो, इसका एलसीएम आ जाएगा फोर, और फिर टू एक की पावर फोर माइनस एक की पावर फोर, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, दो एक की पावर फोर में से एक एक की पावर फोर निकालने पर कितना बचता है, एक एक की पावर फोर, तो यहां पे हो गया ये टू एक की पावर फोर अपॉन फोर, तो कितना हो जाएगा ये चार दुनी आठ एक की पावर फोर अपॉन एट। बस इस स्टेप से आपको क्वेश्चनों को हल करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया, मान ज्ञात कीजिए कि इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई, जहां समाकलन का क्षेत्र एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल वन का धनात्मक पद है। तो इसमें क्या करना है, आपने ग्राफ वाली विधि पढ़ी होगी, ग्राफ ये विधि पढ़ी है ना, बस वही से आपको पहले, या फिर आपने वो पढ़े होंगे समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग काफी बार पढ़े होंगे आपने ट्वेल्थ क्लास में, तो ट्वेल्थ क्लास में एक प्रश्नावली थी, तो यदि वो आ रही है तो फिर आपको इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना है, आप बिना सोचे समझे आराम से इनको हल कर दोगे, और से ढंग से नहीं पढ़ी है तो यहां पे पढ़ेंगे ही। तो देखो सबसे पहले x प्लस वाई डी एक्स डी वाई, तो यहां पे है हमारे पास में एक समीकरण, देते हैं सरल करते हैं जो समीकरण है उसको,
कौन सी हो जाएगी भाई ये, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू वन। अब यहाँ पे जब मैं x बराबर जीरो करूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, वन। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे देखो, y यहाँ पे है तो इस x को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा वन माइनस x। और सेकंड बात, x बराबर जब y बराबर जीरो हो, y बराबर जीरो है तो x बराबर क्या आ जाएगा, वन। यही होगा, तीन लिमिट सही है, यही है। इनको देखो आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि जहां x बराबर जीरो ले तो y बराबर एक, एक समीकरण से y बराबर वन माइनस सिक्स आ जाएगा, एक जब y बराबर जीरो ले तो x बराबर क्या आ जाएगा, वन। तो अब देखो हम यहां पे इसको निरूपित करते हैं पहले। ये हो गया x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। अक्षों के बारे में आपको पता है ही, तीन अक्ष जो कि यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, x y और z अक्ष भी आता है आपके, आता है ना। तो z अक्ष कहाँ होता है भाई, z अक्ष हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, है ना, थ्री डी वाला यही लिखते हैं, लेकिन जो रियल में होता है वो इस तरह से होता है, 3D आकृति हम बोर्ड पे निरूपित नहीं कर सकते इसलिए उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे है x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और यहाँ पे इसको मान लिया O, जो कि क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप कि इसमें मैंने नाम दे दिया कि 0.5, ये हो गया 0.5 हो गया, इसको मैंने लिख दिया 1, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 2। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 0.5, ये हो गया 1 और ये हो गया 1.5 और ये हो गया 2। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें कि भाई सर यहाँ पे ये 0.5 1 1.5 2 कैसे लिखा, ये पैमाना लेते हैं और जो ग्राफ में हम पैमाना लेते हैं उसी तरह से इसमें भी यहाँ पे पैमाना लिया है। अब यहाँ पे देखो जब मैंने x बराबर 0 लिया तो y बराबर क्या है, 1, यानी कि x बराबर 0 तो y बराबर आ गया 1। ये आ जाएंगे यहाँ पे बिंदु निर्देशांक, यहाँ पे ये आ गए। सेकंड वाला, जब मैंने y बराबर, यहाँ पे x बराबर 0 था, x बराबर 0 था और यहाँ पे y बराबर जब 0 हो, y बराबर जब 0 है तो x बराबर कितना है, 1। तो एक यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये रेखा कैसे निकलेगी, सरल रेखा होगी। एक तो सरल रेखा होगी, कैसे होगी कि देखो यहां पे इस बिंदु पे मूल बिंदु से जितनी दूरी यहां पे उतनी दूरी यहां पे है, तो ये रेखा कैसे गुजरेगी, इस तरह से गुजरेगी, सरल रेखा हो गई। अब है यहां पे हम एक अत्यल्प अल्पांश मानते हैं जिसको मैंने नाम दे दिया ए। अब देखो ये जो समीकरण क्या थी ऊपर, x प्लस वाई इज लेस देन वन, यानी कि इसका मान जो ये रेखा है वो किस तरफ होगी, इस तरफ। इसके जितने भी अब यहां पे इस रेखा से मान जो निकालेंगे वो इस तरफ होंगे ना, इसी तरफ होंगे, तो इस रेखा से जस्ट नीचे हो गए ये सारे मान उस समीकरण के अकॉर्डिंग यहीं पे होंगे। अरे ये तो पता है ना आपको। तो अब है यहां पे ये ले लिया हमने कोई बिंदु P, ठीक है, जिसमें x का मान यहां पे क्या प्राप्त होगा, x का मान यहां पे क्या है जब 0, और y का मान उस समीकरण से हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस x प्राप्त होगा, तो 1 माइनस x यहां से प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन कैसे करेंगे, अब हमारे पास में पहले क्या था कि यहां पे हमारे पास में समाकलन तो था लेकिन इनकी लिमिट नहीं पता थी। अब हमारे पास में लिमिट भी है और समाकलन भी पड़ा है, तो बस जस्ट एज जो भी लिमिट्स है उनका मान यहां पे पुट करना है और इसका समाकलन करना है बस। यदि आपको यहां से ये जो मान निकालना आ गया ने तो आप तुरंत ही यहां पे रखो और इसका समाकलन करो, आंसर आ जाएंगे। अब देखो इसको करते आगे कि जैसे हमारे पास में
यहां से एक तो ये होगी कि जीरो से वन, ये किसकी है, एक्स वाली है, और सेकंड वाली वाई वाली क्या हो जाएगी, जीरो टू वन माइनस एक्स, यही होगी। अब हमारे पास में ऊपर समीकरण क्या थी, एक्स वाई, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यही है। तो अब देखो, सबसे पहले हम समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे। तो y के सापेक्ष जब करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा 0 से 1, इसको ब्रैकेट में ले लें, ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स एक्स वाई एंड डी वाई ब्रैकेट बंद एंड डी एक्स। क्लियर है भाई इतना? अरे ये जो मान है, कंक्लूजन बस यहीं पे होता है कि ये जो लिमिट्स है वो लिमिट्स कहां से लेके आए, वो मुझे लगता है इस डेरिवेशन इस चित्र से आप समझ गए होंगे। और स्मगलिंग अनुप्रयोग में कक्षा 12 में हमने काफी बार ये किया था, तो वैसे ही यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास में लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स, पढ़िए, और यहाँ पे मान क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, और जो स्मगलन है वो किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जीरो से वन एक्स वाई डी वाई। तो y के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा बाहर, x से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे y से मतलब है अपने को, क्योंकि y के सापेक्ष हम यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं, और y का y के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, क्या होता है भाई, y का स्क्वायर अपॉन टू, x यहाँ पे बाहर पड़ा है ही, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसकी लिमिट हो जाएगी जीरो से वन माइनस एक्स। ठीक है, अब है इस पूरे का dx है ही, सबसे पहले दी गई लिमिट है उसको पुट करना है। तो दी गई लिमिट क्या है, 1 माइनस एक्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट को हम यहां पे पुट करते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 से 1 x डॉट y स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा भाई मैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बार मैंने वैसे लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि सर यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही क्यों किया, यहाँ पे आप एक्स की जगह भी तो लिख सकते थे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, आपने जो समाकलन है वो वाई के सापेक्ष किया है, तो मान भी वाई की जगह ही रखना। यदि आप एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हो तो एक्स की जगह मान रखना है, और y के सापेक्ष यदि समाकलन कर रहे हो तो y की जगह आपको मान रखना है। तो यहां पे मैंने रख दिया 1 माइनस एक्स है उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसको बंद कर दिया और ये लिख दिया dx। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, अब एक या तो आप 1 बटा 2 को बाहर ले लो, बाहर लोगे ना तो क्या पता थोड़ा सा आपको जी लगे, और नहीं लेना चाहते ने तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो बोले। तो मैंने इसको 1 बटा 2 को बाहर ले लिया, यहां से 0 से 1 हो गया ये, और ये हो गया x कोष्टक 1 माइनस x का होल स्क्वायर और dx। तो अब इस x को पहले अंदर गुणा करा दें, अंदर गुणा करा दें, तो अंदर गुणा कराने पर यहां पे 1 बाई टू जीरो से 1x यहां पे गुणा हो गया x, और ये x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही करते हैं, नहीं करते ऐसा, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, 1 माइनस एक्स है उसका होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को खोलना है, ऐसे नहीं कि आप सीधा यहाँ से x को इसे एक से गुणा करा दिया, x को इससे गुणा करा दिया, फिर इसका होल स्क्वायर और कर दिया, फिर होल स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर और कर दिया प्लस x की घात 4 कर दिया आंसर आ गया। वैसे नहीं करना है, पहले जो कोष्टक है उसको हल करना है कि कोष्टक के अंदर हमें जो मान दिया गया है उसका होल स्क्वायर है, और ये सूत्र बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको खोलना है। तो x लिख दिया मैंने, यहां से ये हो जाएगा a का स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2x और dx, 1 बाई टू बार है ही। अब x को अब अंदर गुणा करा दो, क्योंकि अब है सारे प्लस माइनस में, न तो इसकी कोई घात है न कोई बात है, तो अंदर गुणा करा सकते हैं बार आराम से। यहां से ये लिमिट होगी 0 से 1
इसको गुणा कराए तो एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स की घात तीन माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डीएक्स के सापेक्ष इसका समाकलन। अब इनका प्रत्येक का समाकलन करो भाई, एक बड़ा दो बार है ही, यहां से आप इसको कोष्टक बना लो। एक्स का समाकलन क्या होता है, एक नहीं होता, इसकी घात है, उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की घात तीन आ गई, तो एक्स की घात तीन प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, तो कितना हो जाएगा एक्स की घात चार अपॉन चार माइनस टू एक्स की घात थ्री अपॉन थ्री, इसकी लिमिट रख दो आप जीरो से वन, जीरो से वन इसकी लिमिट हो गई। अब है हमें पता है क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है वन है और लोअर लिमिट है वो है जीरो, तो अपर लिमिट का मान रखें एक बटा दो, अपर लिमिट वन है उसका मान यहां पे रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन अपॉन टू प्लस एक्स की पावर फोर है, यहां पे वन रखेंगे तो वन की पावर फोर तो वन ही रहेगा, वन अपॉन फोर माइनस टू और ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री। अब माइनस माइनस यहां पे जीरो रखोगे तो इसका मान जीरो, यहां पे जीरो रखोगे तो जीरो, यहां पे जीरो रखोगे तो जीरो, जीरो इंटू टू जीरो और वापस तीन का भाग देंगे तो भी जीरो आने वाला है, यानी कि जो माइनस में आप जीरो रखोगे तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा जीरो ही होगा, तो ये लिख दिया जीरो, तो ये हो गया आपके एक बटा दो। अब है इनका क्या करना है एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा भाई 12, दो का भाग कितनी बार 6 बार प्लस इसमें भाग चला जाएगा 3 और ये भाग चला गया कितनी बार 4 बार और ये हो गए 8, 6 और 3 9, 9 माइनस 8 कितने हो गए 1, तो 1 अपॉन 2 कोष्टक 1 अपॉन 12 गुणा कर दियो कितने हो गए 1 अपॉन 24। इस तरह से भाई आपको क्वेश्चनों को हल करना है, यानी कि जब हमारे पास में इस टाइप का जो क्वेश्चन है दिया हुआ हो तो हमें इस तरह से इनके हल निकालने हैं। यानी एक चीज और ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चन से हमारे पास में इसी टाइप से दिए होंगे तो उनके भी हल आपको इसी तरह से निकालने हैं। यानी आपको दे दिया कोई परवलय दे दिया, दीर्घवृत्त दे दिया, तो उनके सूत्र या फिर वृत्त दे दिया, तो सबसे पहले तो आपको उनका समीकरण पता है, समीकरण काफी बार पढ़े हैं, और यदि समीकरण नहीं पता है ना तो समीकरण लगभग क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उन समीकरणों के अकॉर्डिंग परवलय है उसकी आकृति किस तरह से होती है, इस तरह से कि भाई एक्स के एक्स एक्स पे है परवलय तो ये इस तरह की आकृति होगी, और वाई एक्स पे है तो ये वाई एक्स की और इस तरह से होगा और ये हो गया इस तरह से, ठीक है। दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त ये डिपेंड करता है कि उसकी त्रिज्या किस तरफ अधिक है, कई बार त्रिज्या इस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी बनता है, तो इनका भी आप ध्यान रखोगे। दीर्घवृत्त है उसमें भी आपको पहले है इनके मान निकालने होंगे कि यहाँ पे एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो बिंदु है वो किस तरह से निकालते हैं, उसी समीकरण के अकॉर्डिंग निकालना है जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन में निकाला है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना ये दिया हुआ, इसमें हमारे पास में समीकरण थी ये वाली एक्स प्लस वाई इज लेस देन वन, यही थी, तो हमारे पास में प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह की समीकरण दी हुई होगी और उस समीकरण से अपने को ये क्वेश्चनों के पहले यहाँ पे चित्र बनाना है, चित्र बनाने से क्वेश्चन अपने को जल्दी समझ में आएगा, और फिर यहाँ पे प्रत्येक के बिंदु निकालिए, बिंदु निकालिए, बिंदु निकालने के बाद में हमें ये पता चलेगा कि इस समाकलन की लिमिट से वो कहां से कहां तक की है। यदि बाय द वे वैसे मैं बता दूंगा एक आधा क्वेश्चन और भी जिसमें आपके परवलय से रिलेटेड हो या दीर्घवृत्त से रिलेटेड हो या फिर कोई सिद्ध करने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको इन समीकरणों का विशेष ध्यान रखना है, इन समीकरणों के अकॉर्डिंग ही हमें इस समाकलन की लिमिट से वो प्राप्त होगी कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आएगी और अपर लिमिट क्या होगी, ये इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं, एक्स ए का मान जीरो कर दो दूसरे वाले का,
ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जो समीकरण दी गई है उसके मानों को उधर भेज दो और फिर हमें उसका मान निकालते हैं। तो इसी टाइप से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, और यदि कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, और अगली क्लास में है आपको मैं या तो जैसे कि दीर्घवृत्त या फिर जो परवलय है उनके डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो उनके बता दूंगा, अदरवाइज हम अगली प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।